गाइस, क्लियर टॉपिक में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये दिल्ली मेट्रो का अभी जो पेपर लेटेस्ट हुआ है 2018-19 में, ये उसका पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके लिए रिलीज कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने गाइस 2019 के जो अभी तक ना तो यूट्यूब पे है ना गूगल पे है, वो अपलोड कर चुका हूँ। उसकी सारी सीरीज प्लेलिस्ट में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पहले उसे जाइए देख लीजिए या बाद में देख लीजिए। और 2018 का भी पेपर फुल है, उसे भी देख लेना। और ये DMRC का यानी आपके प्रीवियस पेपर मैकेनिकल के फुल मिलेंगे, कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। तो गाइस स्टार्ट करें। थैंक यू गाइस। द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूड इज, ये न्यूमेरिकल है गाइस, देख लो आप खुद ही। सेकंड क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ स्टीम इन साइड द स्टीम बॉयलर इज नोन एज प्रेशर गैस। थर्ड, अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। फोर्थ, कन्वर्ट प्रेशर हेड 20 मीटर ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, इसका 22.22 मीटर, 22.2। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू क्लासीफाई अ बियरिंग इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग सरफेस। गाइस न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। पेल्टन व्हील टर्बाइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन। एट, बाय यूजिंग पावर टेक्नोलॉजी मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड सीमेंटेड कार्बाइड्स। इन पैटर्न मेकिंग नॉर्मल कंडीशन द ड्राफ्ट अलाउंस रेंजेस बिटवीन 10 to 20 meter mm per meter on the exterior force surface. In MKS system of units, the unit of viscosity is kilogram force second per meter square. 11th, the function of the safety valve is to release excess steam when the steam inside the boiler exceeds the rated pressure. तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यों? क्योंकि प्रीवियस पेपर तो आएंगे, उसके बाद यूथ की जो नई बुक है 2020 की, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन पूरी बुक नहीं दूंगा, पूरा बुक के सॉल्यूशन यानी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यानी जो हार्ड हार्ड है उन्हें दूंगा, और जो बाकी बचेगा वो PDF में डाल दूंगा, जो ईजी ईजी होते हैं उन्हें करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जो ईजी ईजी होते हैं कि टेम्परेचर का यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें इजी इजी निकाल के आपके लिए थोड़ा मॉडरेट और हार्ड यूथ का दूंगा, ओके? और बाकी जो बचेगा वो PDF में से आप खुद ही देख लेना, जिससे आपका टाइम भी सेव हो। 12th, द इम्पैक्ट टेस्ट इज डन टू टेस्ट ऑफ द मटेरियल टफनेस। 13, व्हेन ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएशन विद फर्स्ट टाइम ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आप जानती हैं गाइस कि यूथ कितनी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस पेपर दे रखे हैं, यूथ तो बुक आपको करनी ही पड़ेगी। तो बुक करने के अलावा पूरी बुक में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कराया, तो उसका टाइम आपको बच जाएगा अगर मैं ईजी ईजी आपको छोड़ दूंगा। ईजी ईजी आपकी PDF में डाल दूंगा, आप खुद देख लेना। जो मॉडरेट और हार्ड है उसको मैं आपको करा दूंगा, ओके? 14, द एप्रोक्सीमेट फ्लेम टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाई ऑक्सी एसिटिलीन गैस इज 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। 15, मैकेनिकल एफिशेंसी ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इज गिवन बाई पावर आउटपुट एट द शाफ्ट ऑफ टर्बाइन अपॉन पावर डिलीवर बाई वाटर टू द टर्बाइन ऑफ वाटर टू द रनर ऑफ टर्बाइन। 16, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच ए बॉडी कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम ओवर द प्लेन एंटायरली बाय द एसोसिएशन ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। 17, ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा नॉट ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इज ईटा एच हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, ईटा वी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, ईटा एम मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, ईटा इसका आंसर है ईटा ओ बराबर ईटा एच इंटू ईटा वी इंटू ईटा एम यानी हाइड्रोलिक और मैकेनिकल, ये सबका जो जो हो जाता है मल्टीप्लाई, वो ईटा ओवरऑल हो जाता है।
ओके, द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस गैस की इंक्रीज होती है और वाटर की डिक्रीज होती है, आपको पता होना चाहिए। 19, विच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली इक्वेशन, पिटोट ट्यूब। इम्पल्स टर्बाइंस आर हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। 21, इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंट्रोपी। 22, इफ टू पंप्स हैविंग द सेम डिस्चार्ज कैपेसिटी क्यू आर अरेंज्ड इन पैरेलल, देयर टोटल डिस्चार्ज विल बी गिवन बाय 2Q। 23, अ मैंस, ये न्यूमेरिकल है गाइस। 24, हाई कार्बन स्टील कंटेंस 0.6 से 1 डिग्री कार्बन, 0.2 से 0.5 SI और 0.6 से 0.1% Mn यानी मैंगनीज। 25, इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। 26, इंटरचेंजेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली इन स्पर गियर। तो गाइज मैंने मैकेनिकल के बहुत शॉर्ट ट्रिक बना रखे हैं जो आपको तुरंत याद, तुरंत एग्जाम में क्लिक कर जाएंगे, तो वो भी मैं आपको सब दूंगा, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। समझ लीजिए बहुत लकी इंसान है, क्योंकि आप इससे जुड़ के 100% से 100% एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा। ओके, 27, अ फ्लो इन विच ऑफ द फ्लूड पार्टिकल मूव इन ए जिगजैग हैपजार्ड एंड डिसऑर्डरली मैनर इन इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। ओके, तो गाइज ये जितने भी करा रहा हूँ ना मैं प्रीवियस पेपर, इन सबके टॉपिक अलग अलग मैं डिस्क्राइब करूँगा। 19, 18 जितने भी प्रीवियस पेपर हैं सबके टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, सबके डिस्क्राइब होंगे, चिंता मत करिए आप। जिससे आपको तभी चैनल का नाम क्लियर टॉपिक है, आपका एक एक टॉपिक क्लियर करना है मुझे, पहले ही सारे पेपर अपलोड कर दूँगा। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्नौली इक्वेशन, पी इक्वल टू ये है, तो बर्नौली इक्वेशन आप जानते होंगे, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 30, द हेलिक्स एंगल ऑफ हेलिकल गियर लाइज विद इन ए रेंज ऑफ 10 से 20 डिग्री सेंटीग्री। द प्रेशर इनसाइड ए होलो बबल इज गिवन बाय पी इक्वल टू 8σ अपॉन डी, और जो अपना पी इक्वल टू 4σ अपॉन डी होता है वो होता है वाटर का। ओके, वन स्ट्रोक 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और 33, अपना इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन द सैचुरेटेड टेम्परेचर एट द गिवन प्रेशर देन द कंडीशन ऑफ नोन एज सबकूल्ड, यानी लेस है तो सबकूल्ड होगा, और अगर यहीं हायर हो जाता ना तो सुपर हीटेड हो जाता, तो आपने वो डोम पढ़ा होगा, तो डोम में से ही निकला ये। तो गाइज ये सब के टॉपिक क्लियर करने हैं मुझे, आप जुड़े रहिए चैनल से। 34, स्पेसिफिक स्पीड ns जो होता है वो n अंडर रूट क्यू अपॉन h की पावर 3/4। तो गाइज जैसे ट्रिक क्या बना रखी है मैंने, जैसे h की पावर 5/4 है वो अपना टर्बाइन में है, और ये जो h की पावर 3/4 है ये अपना पंप में है। तो देखो n अंडर रूट क्यू, क्यू आ रहा है ना, तो क्यू का मतलब क्या होता है, पावर 3। तो जिसमें क्यू आ रहा है उसमें पावर 3 आ गई, एच एम की पावर 3/4, और बाकी जो बचा अपना टर्बाइन उसमें h की पावर 5/4 है। इससे आप टर्बाइन और पंप में कन्फ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो गाइज सब कराने वाला हूँ, बस आप सब्र रखिए थोड़ा, धीरे धीरे रोज की डेली की 2-3 वीडियो अपलोड होती रहेंगी, चाहे आंधी आए तूफान आए, और आपको 100% बेनिफिट होगा एग्जाम में। 35, द ओपन हार्ट प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज समटाइम्स कॉल्ड सीसमेंस मार्टिन्स प्रोसेस। 36, गाइस न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का भी पोर्शन अलग लाऊंगा गाइस। 37, इफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट अ पॉइंट देन द मटेरियल बिहेवियर इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। इन केस ऑफ रिएक्शन स्टीम टर्बाइन देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इज फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। 39, विच सैंड इज एम्प्लॉयड इन मैकेनिकल सैंड प्रिपरेशन ऑफ एंड हैंडलिंग सिस्टम, ग्रीन सैंड। 40, हीट कैन नॉट फ्लो बाई इट्सेल्फ फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू ए
बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर, दिस नोन एज क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। 41 द थर्मोडाइनमिक साइकिल ऑन विच पेट्रोल इंजन वर्क्स इज कॉल्ड ऑटो साइकिल। 42 कार्नोट साइकिल कंस्टेंस ऑफ कार्नोट आप जानती है, दो आइसोथर्मल होते हैं उसमें और टू रिजर्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस। और 43 अपना क्या है कि फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए कंसनट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट दिस फ्री एंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट दिस एट इट्स फ्री एंड? जीरो। ये न्यूमेरिकल है। ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज इन अ रिएक्शन टर्बाइन फॉर अ पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग कैविटेशन। कैविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स हैज जीरो विस्कोसिटी? आइडल फ्लूइड। 48 द सीओपी फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज डेट ऑफ कार्नोट हीट पंप लेसर देन। यानी कार्नोट तो सबका बाप है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की जो कम होती है कार्नोट हीट पंप से। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैस ऑब्वियसली इंक्रीज, और यहाँ अगर वाटर होता तो अपनी डिक्रीज हो जाती। 50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। 51 विच इक्विलिब्रियम इज यूज फॉर टू फोर्सेस, ये सभी करेक्ट हैं। 52 ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क इज नोन एज हीट इंजन। गाइस इसका जो है एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर का क्या है, क्यू इक्वल टू सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच ए अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। गाइस न्यूमेरिकल है। द रिजल्टेंट फोर्सेज ऑफ फाइव कोप्लेनर फोर्सेज कैन बी फाउंड आउट ऑफ बाई लॉ ऑफ पॉलीगन। 56 न्यूमेरिकल। 57 द परमेबिलिटी नंबर इज कैलकुलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, पी इक्वल टू वी एच अपॉन पी ए टी इज यूज फॉर द एक्यूरेट सेटिंग ऑफ टेल स्टॉक स्लिप गेज। न्यूमेरिकल है गाइस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस कॉन्स्टेंट एथैल्पी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एथैल्पी कॉन्स्टेंट करती है, यानी एक बारीक सी जो होल होता है उसमें से अगर गुजरती है तो उसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। ये सब क्लियर कराऊंगा, चेक कर लेना, अभी थोड़ा रिवीजन करना है। 61 इफ अ पॉइंट लोड डब्ल्यू इज एक्टिंग ऑन द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट द फ्री एंड डब्ल्यू। ए पेट्रोल इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम 6 to 10। गाइस न्यूमेरिकल, हेवी न्यूमेरिकल। पिटोट ट्यूब इज यूज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड। पिटोट ट्यूब जो है अपने वेलोसिटी करती है, पिटोट ट्यूब वेलोसिटी नापती है, रेट ऑफ फ्लो। गाइस ये देख लेना जरा इस पे, ये सही है गलत, मेरे हिसाब से तो वेलोसिटी का होना चाहिए आंसर। 66 द नंबर ऑफ वेन्स ऑन द कपलान टर्बाइन इज 6। और 67 द डिटेक्ट्स ऑल सब सरफेस डिफेक्ट्स विद लेमिनेशन विच नॉन डेस्ट्रिक्शन टेस्टिंग मेथड इज यूज अल्ट्रासोनिक। 68 ए फ्रैक्चर इन द आउटर रेस ऑफ द बॉल बेयरिंग अकॉर्स ड्यू टू ओवरलोड। 69 अ लिक्विड वेपर मिक्सचर ऑफ 1 kilo, ये न्यूमेरिकल है गाइस, ये भी न्यूमेरिकल है। टोटल स्क्रीन कंस्टेंस ऑफ कार्बन 0.9%। तो गाइस आगे मैं बता देता हूँ कि आगे जो है एक जीके का एक महा कॉन्सेप्ट आने वाला है, और डेली जो है अपनी करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं, हम पढ़ लेते हैं 18, 18, 20, 20, उससे फ़ायदा नहीं होता, हमें क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। मैं डेली करंट अफेयर्स विद ट्रिक बताऊंगा, अभी तक विद ट्रिक डेली कोई नहीं बताता, उसके बाद वीकली बताऊंगा। तो चैनल को जुड़े रहिए क्योंकि करंट अफेयर्स की टेंशन खत्म, और जीके का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला है जो पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और मैं तो अपने जो भी पढ़ता हूँ ना चैनल उसके अलग अलग नाम लिख लेता हूँ और डेली चेक करता हूँ, इससे हमें ये बेनिफिट होता है क्योंकि अब तो आ नहीं रहा नोटिफिकेशन।
तो इसलिए जो है अपना रोड डेली चेक करना ही पड़ता है चैनल 75। प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ये गाइस या अब ये अब यहाँ से वो 75 ही आते हैं इसमें। तो गाइस ये चैनल एंड ये एंड हो गया है। ये DMRC के 2018-19 में जो पेपर हुआ था लेटेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, बहुत ही अच्छे। तो गाइस अगर मेरी मेहनत पसंद आई तो तुरंत लाइक कर दिए और चैनल से जुड़े रहिए, 100% बेनिफिट होने वाला है, चिंता मत करिए आप जरा सी भी। और 2-3 वीडियो आनी ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो वीडियो ऐसी होंगी जो क्वालिटी होंगी। मैं टाइम नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ बच्चे की। एक एक दो दो घंटे की वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बाय बाय, थैंक यू।